लेटेस्ट जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नवप्रभा के सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये बेल आइकन दबाइए। सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत का अबू धाबी फिल्मिंग शेड्यूल पूरा हो चुका है। डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सोशल मीडिया पर इस रैप अप की अनाउंसमेंट की। अली अब्बास जफर ने सलमान खान के साथ दूसरी बार शूट करने की खुशी जाहिर की। आपको बता दें ये पेयर फिल्म टाइगर जिंदा है में भी साथ काम कर चुका है। फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग रेस 3 की तरह अबू धाबी के आउटस्कर्ट्स में हुई थी। हालांकि फिल्म भारत ने कई जगह कवर की है और खास अलाइन रोहताना में क्रू ने स्टे भी किया। डायरेक्टर ने अबू धाबी के अल वथवा से एक पिक्चर शेयर करते हुए यूएई गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा किया। पूरे शूट के दौरान सलमान खान, कटरीना कैफ और सुनील ग्रोवर ने अपने फैंस को फोटोज और वीडियोस के साथ काफी अपडेटेड रखा। टीम ने पहला स्केड्यूल मुंबई में शूट किया था जिसमें एक ग्रैंड सर्कस का सेटअप था और वैभवी मर्चेंट द्वारा कोरियोग्राफ किया हुआ एक एक्साइटिंग डांस नंबर। 2019 में आने वाली फिल्म भारत के लिए फैंस के बीच बेसब्री दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फैंस के बीच बढ़ती एक्साइटमेंट को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि ये फिल्म बेहद हिट होने वाली है। सलमान खान अक्सर ईद के लिए अपने किसी न किसी फिल्म का रिलीज शेड्यूल करते हैं और उन्होंने 2019 के लिए भारत को चुना है। इस फिल्म में सलमान खान 5 अलग अलग किरदारों में नजर आएंगे। एक पार्ट में सलमान का किरदार अपने लेट 20s में होगा जो कि एक यंग किरदार है। इस किरदार के लिए सलमान अपना करण अर्जुन वाला लुक एक बार फिर सामने लाएंगे। इस बात को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। इस लुक को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था जब वरुण धवन अपने कैमियो रोल के लिए भारत के सेट्स पर पहुंचे। इस फिल्म में सलमान के कैरेक्टर्स पर जोर डाला गया है जो कि 60 साल के स्पैन पर बेस्ड होगा। माल्टा और यूएई की शूटिंग खत्म करने के बाद अब बाकी शूटिंग पंजाब और दिल्ली के लोकल एरियाज में होगी। दोस्तों, सलमान की फिल्म भारत के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।